हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ विशु। मैं अभी आ चुका हूँ नरसिंह गंगा। तो नरसिंह गंगा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी से हम यहाँ से हम लोग को सीधा ऊपर जाना पड़ेगा। तो भाई लोग, यहाँ से अपना ट्रैकिंग करने का सफ़र स्टार्ट होता है। यहाँ से हमें 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा और सीढ़ियाँ भी चढ़ना पड़ेगी। मुझे तो सीढ़ियाँ चढ़ना अच्छा लगता है, और आपको? आज की इस ब्लॉग में मैं आपको नरसिंह गंगा दिखाने वाला हूँ। नरसिंह गंगा जो है चतमा से 11 किलोमीटर और बिलासपुर से 75 किलोमीटर और कोरबा से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो भाई लोग, यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा यार देखने का। और ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए। और विजय थक गए हैं चढ़ते चढ़ते। सबसे बड़े गाड़ी बड़े पत्रा, छोटे गाड़ी छोटे पत्रा, वो कर ले छोटे गाड़ी। कुछ लोग अपने बाइक को यहाँ तक लेकर आ जाते हैं। पानी लेके आई जगह है यार, लेकिन सीढ़ी चढ़ चढ़ के हालत खस्ता हो जाए। गाइस, यहाँ माघ पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा में और नवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। ये जो है नरसिंह गंगा है, तो इसी के लिए ये नरसिंह गंगा फेमस है, इसी धारा के लिए। अभी तक सस्पेंशंस बना हुआ है कि कहाँ से ये पानी आता है। नरसिंह गंगा खासियत यह है कि यह 8 का 12 महीना चलने वाला झरनों में से एक है। गाइस, अगर आप यहाँ जब भी आते हैं पिकनिक मनाने, तो गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं और प्राकृतिक संपदा को क्षति तो बिल्कुल भी ना। Thank you.
जैसे आप देखते हो पीछे का ये नज़ारा, ऐसे माना जाता है कि ये कलाकृति यूरोप के लोगों के द्वारा बनाई गई है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पल्मा पहाड़ के टॉप पे और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कैसा है ऊपर से कैसा नज़ारा दिखाई देता है। This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. Maybe in our world here, there lives a happy little mountain. गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं पल्मा पहाड़ के टॉप पे, नरसिंह गंगा देख लिए और यूरोप के लोगों की आध्यात्मिक देवी देवताएं हैं वहाँ। 7-8 साल बाद आया हूँ नरसिंह गंगा, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पहले के मुकाबले यहाँ की रोड जो है बहुत बन चुकी है, अच्छा हो चुका है कि आप यहाँ 4-व्हीलर और 2-व्हीलर के साथ अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं। लोग भी आए हैं, देखते हैं जाएगा ऊपर। आजा तो गाइस यहाँ पे भैया जो है चढ़ नहीं पा रहे थे उनको देख रहे हो कितना शानदार जगह है। तो एक बार अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ यहाँ घूमने ज़रूर आइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो चैनल पे डालते रहता हूँ।